पहली गेंद पर बहुत अच्छे मिजाज से इसकी खेल दिया है 2 रन के लिए। क्या बात है, आज हमारे बीच हमारे दोनों काबिल अंपायर सोनू पवार जो कि हमारे मुख्य अंपायर हैं उन साइड पर हमारे बीच उपस्थित है आदर्श मंडल सर और हमारे तीसरे अंपायर हैं विश्व शर्मा सर, हमारे साथ सूरज जुड़े हैं, सागर जिनका हम दिल से स्वागत करना चाहते हैं क्रिकेट हीरोज के माध्यम से। आपको ये सारा स्कोर अपडेट पॉइंट्स पे स्कोर एनालिसिस दिखाई देगा। बहुत बढ़िया तरीके से इस गेम को खेल दिया पॉइंट रीच पर एक और रन के लिए, कुल मिलाकर 3 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया शॉट लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, जोरदार तालियां भैया, बहुत अच्छी शुरुआत है ये क्षत्रिय टाइगर्स के लिए। एक बहुत अच्छी एक डिलीवरी है जीत, लेकिन मिस फील्ड हुई थी फील्डर के द्वारा, लेकिन उतनी अच्छी बैकअप यहां कैप्टन के पास से हो रही है। हर चौथे पांचवे बॉल पे बोल रहा है लास्ट बॉल है, ये बड़ा यहां चाहते थे बैक टू बैक राहुल, लेकिन इस बार सिर्फ एक रन से संतुष्टि प्राप्त होती। आखिरी की लास्ट बॉल ध्यान रखना है बॉलिंग करने वाली टीम 20 मिनट के अंदर आपको आपके 5 ओवर के बाद 15 मिनट के अंदर बॉलर बोलो का नाम बता दीजिए सर, राजेश आधा का नंबर, बढ़िया शॉट और बढ़िया तवा आज के दिन का पहला चौका, जबरदस्त शॉट है और ऐसे ही चौकी और सिक्सेस मारने के बाद सिंगल मिला प्रिंस जैसा नाम वैसा काम करते हुए अपनी टीम रॉयल चौहान के लिए। अच्छी कैच का मौका, खूबसूरत कैच, जबरदस्त कैच है, गणेश ने इस कैच को लेकर पहला विकेट दिला दिया है। बहुत बॉलिंग राजेश भाई जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे और सफलता उनको मिली है। दूसरे ओवर में पहली सफलता क्षत्रिय टाइगर्स के लिए, दूसरा मैच खेला जाएगा बिनमल वॉरियर्स और माइंडर टाइगर्स। मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो प्रेजेंटेशन है वहां टॉस कर लीजिए दूसरे मैच का, बिटवीन द इनिंग्स हम टॉस करेंगे, दोनों कैप्टन को उपस्थित रहना है जैसे पहले इनिंग्स कंप्लीट होती है। ओ थोड़ा सेविंग से कुछ ना बस बन तीसरी तीसरी हां ये शायद बस बनाएगा रन आउट हो तो कुछ भी हो बैट्समैन क्रीज पर प्रेशर है। कैसे एक्चुअली अंपायर हमें ये बता रहे कि नए नियमों के तहत फ्रेश बैट्समैन ही स्ट्राइक पर आएगा, चाहे कैच पकड़ा जाए तो फ्रेश बैटर ही बॉल पहला बॉल फेस करेगा। ये नए नियम है हमारे श्री पीपा जी स्पोर्ट्स क्लब का भी एक नियम और जुड़ रहा है इस साल के लिए और 12 के लिए, 12 की 12 के लिए 7:30 बजे यहाँ पर दाखिल हुई है। बहुत अच्छी गेंद, आगे मत पकड़िए पीछे पकड़िए यही कह रहे राजेश भाई। दो गेंद शेष, मैं बैठकर का नाम क्या है भाई, कमलेश यार मेरे ख्याल से बॉलर का नाम क्या है, लास्ट बॉल बहुत अच्छी राजीव भाई की थ्रो करने के लिए, लेकिन गलत एंड पर थ्रो गौतम का, कोई बात नहीं है। दूसरे ओवर का खेल खत्म, दो ओवर की समाप्ति के बाद एक डजन रन बन चुके हैं भाई, 12 पर 1 वापस आऊंगा, मैं उधर जा रहा हूँ बैठने, थोड़ा गर्म हो रहा हूँ गर्मी में। नितिन 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 बॉलिंग के लिए तैयार, के कैप्टन बहुत बढ़िया शॉट था ये, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू पर करते हुए नितिन
बहुत अच्छा नाम लिखा उन्होंने अपनी टी शर्ट में। आउट प्रिंस इज आउट एक और झटका सूरज अच्छा कम बात करते हुए कैप्टन नितिन इसी एक रन के साथ तीन ओवर के समाप्त 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 for 3 एट द एंड ऑफ 3 ओवर्स। हमारे डीजे साउंड के लाभार्थी श्री श्याम सुंदर जी, गीतूलाल जी मकवाना कंचालेवल, इनका हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। बॉल के स्पॉन्सर, बॉल के लाभार्थी श्री सोमदेव जी गहलोत आर्य, इनका भी दिल से धन्यवाद। YouTube के लाभार्थी श्री श्याम जी, चतुर्भुज जी पवार केलवाड़ा, इनका दिल से धन्यवाद। बॉलर नेम गणेश, राइट अराउंड द विकेट। गणेश है ही नहीं इसमें, ऐड करना पड़ेगा। और आउट, उनका नाम क्या है उसमें टीम लिस्ट में? ऐड नहीं, फॉर्मल में ऐड ही नहीं किया हमने। कुछ और नाम है क्या? गणेश नाम है गणेश नाम नहीं है दोस्त, मोबाइल नंबर, उनका नाम ऐड नहीं है इसमें। मोबाइल नंबर एक है, मोबाइल नंबर आपका गणेश भाई? गणेश भाई मोबाइल नंबर दो। 99872 आगे 62059। आपका नंबर नहीं है, नाम नहीं है। नितिन का है ना? नितिन नाम है, अरे नितिन कैप्टन का नाम ऐड नहीं। अरे एक और नितिन है, एक और दो है क्या? हमारे ग्रीन पास लोग वोट आगे, दो नितिन, दो है नितिन। ए चल कंटिन्यू कर। हां हां, दोनों है। क्या नहीं आ रहा है? एक नहीं आ रहा है कुछ। हो गया ना अभी भाई सागर, अभी हुआ। हां तो गौरव डाल दे, चल ठीक है, कोई बात नहीं। सुन मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान दे। हो गया, तो गौरव रहेगा ना जा रहा है। ये कहाँ से बुलाऊं, ये सब दूर दूर से आ रहे हैं। चलिए गणेश
शुरुआत करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट इक्वल हो गया क्या उसका नो बॉल दो रन का फायदा नेक्स्ट मैच अगली मैच के टॉस के लिए मैं दोनों ही कप्तान से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंच पर आ जाइए टॉस के लिए विंडमल वॉरियर्स वर्सेस बाइंडर टाइगर्स तो नहीं कप्तान जैसे इनिंग्स खत्म होती है आपको टॉस के लिए उपस्थित रहना है मंच पर कड़क ये शॉट है लेकिन सीधा और बेहतरीन थ्रो था बहुत ही बेहतरीन थ्रो रहा था लेकिन सुरक्षित रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज बहुत बढ़िया शॉट क्रॉस खिला हुआ ये शॉट और गेंद पहुंचेगी अपनी मंजिल पर चार रनों के लिए दैट्स द बाउंड्री ये तीन खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात रखना पूरे मैच में अनिवार्य रहेगा फिर से अच्छा शॉट लेकिन सीधे फील्डर के पास की गेंद जाती है सिंगल मिलता हुआ सर आपको कैमरा ओवर की समाप्ति और इस ओवर की समाप्ति के बाद रनों की स्थिति है 33 रन चार ओवर के बाद चार विकेट खोते हुए 33 फॉर 4 एंड आउट ऑफ 4 ओवर्स हां माइक के अंदर हो ये अपने ही साथी खिलाड़ी कन्हैया के पैर पर ये गेंद लगती हुई सो दो रन का फायदा मिलेगा 35 पर बढ़ता हुआ स्कोर प्लीज आवाज से कोई ना चिल्लाए प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट बैटिंग टीम अच्छा शॉट और मिलेंगे चार इट वाज अ वेरी गुड शॉट बाय कमलेश जबरदस्त हर चौकी पर सिक्स पर आपको एंटरटेन करेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं दो गेंद शेष टू बॉल्स टू गो टू बॉल चालीस पर पांच रॉयल चौहान दो गेंदे शेष इस इनिंग्स की दूसरे रन की रिक्वेस्ट की गई थी लेकिन वापस भेज दिया कन्हैया को एक ही रन की प्राप्ति आखिरी गेंद 41 for 5 40 पर पांच लास्ट बॉल पे एक भी रन नहीं है Let's go, 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 let's
टाइगर के कैप्टन शुभ नाम आपका उमेश दहिया महिंदर टाइगर के कैप्टन महिंदर जी और भेंटमाल वॉरियर्स के कैप्टन उमेश जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा धनजी से जल्द से जल्द टॉस करावे। दो वाइड हुआ है बस। ओके कूल That is the call and it's clear. So Bhinder Tiger won the toss and they chose to call. Abhijit, over to you. Come on. अली अब मन में शूट डाल महिंदर टाइगर्स ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग का फैसला उनका। मैं सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी टीम को लेके ग्राउंड में उपस्थित रहे, कोई भी बाहर ना खेले, सोसाइटी का ऑब्जेक्शन आ सकता है। सभी कैप्टन से निवेदन है कि वे अपनी अपनी टीम को लेकर अंदर ही बैठे, ऑब्जेक्शन आने पर कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी बाहर क्रिकेट नहीं खेल सकता। थैंक यू सो मच। आइए अब बढ़ते हैं मैच की तरफ। यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत, 9 रन हो चुके हैं, 1 गेंदी शेष है। महिंदर टाइगर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीम से अनुरोध रहेगा दूसरी मैच तुरंत हम शुरुआत करेंगे।
अच्छा शॉट सेफ शॉट ये खेल दिया है ऑन साइड की तरफ अंतराम को मिलता हुआ। जितेंद्र जी बॉलिंग कर रहे हैं पहली ओवर और अनिल जी और कौशल जी दोनों प्रारंभिक जोड़ी संभल कर खेलते हुए कैप्टन आत्मर्म सुरक्षित रहेंगे। आखिरी गेंद से लास्ट बॉल टू गो रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर लेकिन यहाँ के इस पहली गेंद पर एक रन निकालते हुए स्ट्राइक अब आ चुके हैं कौशल जी उन्होंने एक सिक्स लगा दिया है। एक साल लेकिन सीधे कैच थमा बैठे प्रवीण की तरफ वाइड के साथ एक रन का इजाफा अनिल परमार टेंट वाले जो भी आदमी है एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आ जाए डीजे साउंड के पास टेंट वाले जो भी पर्सन है यहाँ पे आ जाए निकल गए हैं दूसरे के लिए। बहुत अच्छी सोच बॉलिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए 2+2 यानी कि टोटल 3 रन बहुत
अच्छी क्रिकेट बनी और मंथन के द्वारा 31 रन दो ओवर के समाप्ति के बाद क्या फटाफट से ये रनों को चेज कर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 11 रनों की आवश्यकता है बचे हुए 18 गेंदों पर और आप बॉलिंग के लिए आएंगे सूरज। 10:10 हो चुके और सूरज बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। सूरज शुरुआत करते हुए वाइट के साथ केवल 10 रन की आवश्यकता है। क्षत्रिय टाइगर्स लेकिन कमलेश ने पहले निर्णय देता था आउट है लेकिन सुरक्षित था बैटर कमलेश। और ये देखिए क्रिकेट में आबादू भी अपने ही साथी खिलाड़ियों पर निशाना साधा अनिल ने। कोई टेंशन नहीं है ये सॉफ्ट बॉल है तो इतनी लगेगी नहीं। इस बार आउट हो जाएंगे ऋतिक। ऋतिक इज आउट। नितिन ने इस पहली गेंद को बहुत ही अच्छे से खेलते हुए ये गेंद डॉट रही। 2-2 दो गेंदें शेष 33/3। बहुत बढ़िया स्विच हिट करते हुए रिवर्स शॉट लगाते हुए दूसरे रन के लिए मांग लेकिन अनिल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आए। 34/3 लास्ट बॉल 8 रन की आवश्यकता। आप जानते हैं कि मैच अपने लक्ष्य के करीब आ चुके हैं तो गैप में गेंद को खेलते हुए अनिल ने बहुत ही समझदारी दिखाई है। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है 35/3। अब जरूरत है 12 में 7 आ चुके हैं राकेश भाई बॉलिंग के लिए। नेक्स्ट मुकाबला बिल्कुल वॉरियर्स और बैंडर टाइगर्स तैयार रहिए। आपका एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में दाखिल होना अनिवार्य रहेगा। बहुत अच्छी गेंद राकेश भाई क्या खूबसूरत ये गेंद थी बीट हुए पूरी तरह से। इस बार सही शॉट खेला है बिल्कुल क्रीज की गहराइयों का इस्तेमाल करते हुए। एक रन का इजाफा 36/3 36/3। कमलेश के पास ही कैच हो सकता था बिल्कुल सही तैनात किए गए थे कमलेश। अनफॉर्चुनेट रिएक्शन टाइम कम था। कमलेश की कोशिश अच्छी कि हल्के फुल्के शॉट खेल रहे हैं आगे जानते हैं ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेना। अब सिर्फ 4 ओवर की आवश्यकता है। स्ट्राइक पर होंगे नितिन। बहुत अच्छी फील्डिंग जितेंद्र द्वारा। रॉयल चौहान जरूर एक होमवर्क करना होगा इस मैच पर कि कहां पर कमी रही। बहुत बढ़िया शानदार इस मुकाबले को जीतने वेल डन बहुत शुक्रिया सचिन। प्रथम मैच के विजेता